Hey guys, welcome back to a new video. तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसा ऐप मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें आपको आपके फोन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके फोन में क्या चल रहा है, कितने एप्स हैं, कौन से भारी एप्स हैं, कौन से हिडन एप्स हैं आपके फोन में, या फिर कौन सा ऐसा ऐप है जो कि सबसे ज्यादा डाटा खा रहा है, आपका वाईफाई कितना डाटा खा रहा है। ये सारे फीचर्स के लिए आपको अलग अलग ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ आपको एक ही ऐप में पता चल जाएगा जो कि प्ले स्टोर पे है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड सबसे जो इसकी खूबी है वो ये है कि आपको इसके हिडन एप्स के बारे में पता चल जाएगा, प्लस वो जो आपके फोन में सबसे ज्यादा एड्स दिखाते हैं और जिसकी वजह से आपका डाटा कंज्यूम होता है, या फिर जो सबसे ज्यादा रिस्की एप्स है, वो सारे इस ऐप के थ्रू आपको एक बार में पता चल जाएगा। और बड़ा सेफ ही ऐप है, तभी तो इसको गूगल प्ले स्टोर पे रखा गया। तो चलिए मैं आपको सबसे बेस्ट उस ऐप के बारे में बताता ही हूँ, बोलने से ज्यादा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आ गया हूँ मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे एंड मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे दोस्तों, एंड ये मैं प्ले स्टोर पे आ गया। तो यहाँ देखिए गो क्लीन मैंने सर्च कर रखा है, आप यहाँ पे जाके गो क्लीन सर्च करेंगे, ठीक है, गो क्लीन, तो वो मिल जाएगा आपको। तो गो क्लीन आपको ऐसे सर्च करना है, अदरवाइज मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं इंस्टॉल। तो गो क्लीन जाके आपको इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसको जो है गो क्लीन की सेटिंग को ऑन करना है। तो इसलिए सेटिंग में जाना है, आपको गो क्लीन को परमिशन एक्सेस यूजर्स परमिशन देना होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ परमिशन देते हैं, गो क्लीन को परमिशन दे दिया हमने, तो हम ओके कर लेते हैं एंड बैक आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इस ऐप का कुछ जो फेस है, इंटरफेस है, वो इस प्रकार से दिखेगा। ऊपर में ऐप्स लिखा हुआ है, डाटा है, वाईफाई है, ऐड डिटेक्टर है, हिडन ऐप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऐप पे, यहाँ पे देखिए ऐप पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आपके फ़ोन में जो ऐप्स है वो सब दिखाना स्टार्ट कर देगा, सेटिंग काउंट जो मेरा जो डाटा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐप हो गया, और साइज़ के अकॉर्डिंग आप देखना है तो देख लीजिए, यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करेंगे जो आपका होगा, जो ज़्यादा डाटा कंज्यूम कर रहा होगा या जो ज़्यादा कैपेसिटी रैम ज़्यादा वो कर रहा होगा, तो आप वहाँ से इससे यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे मेरा व्हाट्सएप अभी ज़्यादा वो कर रहा है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ, जो भी है, जैसे मैं अभी फ़िलहाल स्नैपचैट को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, और इसका क्लियर डाटा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार ये हो गया, एंड आप यहाँ से डायरेक्ट क्लीन भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं डाटा पे, ठीक है, ये ऐड डाटा पे आ जाते हैं। डाटा पे आपको जो आपका मोबाइल से जितना डाटा यूज हुआ वो बताएगा, जो पर डे मतलब डेट बाय डेट के बताएगा, और वाईफाई से जितना यूज हुआ है तो वो बताएगा। देखिए मैं सबसे ज़्यादा मैंने वाईफाई से यूज करा है, तो वाईफाई से ज़्यादा बता रहा है। उसके बाद आते हैं माई वाईफाई पे, अलाउ परमिशन करना है, एंड अलाउ परमिशन करना है इसको, ठीक है। तो ये वाईफाई के बारे में आप बताएगा, जिस माई वाईफाई। अब देख लीजिए ये है मेरे पास अगल माई वाईफाई पे, अगल बगल में जितने भी मेरे वाईफाई हैं वो सब दिखा रहे हैं, और मैं जिनसे कनेक्टेड हूँ वो है, ठीक है, नॉट कंफर्म, बट ये आपको वैसे नहीं दिखाएगा, बाई एक रैंडमली से नंबर के थ्रू दिखाएगा, लिंक के थ्रू दिखाएगा। तो ये उस तरीके से है, माई शियोमी न्यू, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर ये आ जाते हैं हम ऐड डायरेक्टर पे। अब मैन जो है वो यही है इसका फ़ोन का फीचर। तो इस ऐप का जो मैन फीचर है वो ये है, अब देख लीजिए ऐड डायरेक्टर में ये वो सारे ऐप हैं जो कि ऐड दिखाते हैं, ठीक है। ये जितने भी, अब मैं नीचे ऐप आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये वो सारे ऐप हैं जिन पर एड्स आता है। तो इनमें से जो आप जिस ऐप को भी रखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये ऐप आप यूज़ नहीं करते, इस पर फालतू के एड्स दिखाए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं, एंड जो आपको रखना है वो रख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आप जो रिस्की ऐप्स हैं वो सब भी देख लीजिए, यहाँ पे इंक्लूड साइट्स पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सारे ऐप आ जाएंगे जो कि दिन भर, यहाँ सॉरी इंक्लूड्स ऐप में आपको ये देखने को मिलेगा कि दिन भर में जो भी ऐप आप खोलते हैं उस पर कितने एड्स हुए हैं। तो जैसे कि अभी मैं गो क्लीन ही चला रहा था, उस पर मुझे 2 एड्स आ चुका है, तो वो दिखा रहा है। अदरवाइज मैंने अभी तक सुबह से जो भी ऐप खोला होगा उस पर कुछ भी, मतलब मैंने खोला ही नहीं है ना के बराबर, तो ये वो सारे हैं कि नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ऐप रन इन बैकग्राउंड, ठीक है, हमारे बैकग्राउंड में कौन सा ऐप रन कर रहा है वो बताएगा यहाँ पे। तो अब देख लीजिए मेरे बैकग्राउंड में जो ऐप रनिंग कर रहे होते हैं वो है गो क्लीन, फेसबुक, फलाना ढिकाना, ये सब बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। अगर आपके काम का है तो ठीक है, अदरवाइज इनको डिलीट कीजिए।
इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मैन हिडन ऐप्स पे। हिडन ऐप्स पे आने के बाद दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो आपके फ़ोन के हिडन्स, जो आपका जो फ़ोन जो है, जैसे मान लीजिए एम आई हो गया, चाहे सैमसंग हो गया, वटेवर से कोई भी सभी फ़ोन हो, तो वो उनके जो अपने हिडन ऐप्स हैं ना, वो जो आपके फ़ोन में नहीं दिखते, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, क्योंकि ये हिडन ऐप कुछ रखते हैं जो कि हम कस्टमर को पता नहीं चलता। तो ये अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको ये रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसको भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से जाके डिलीट कर सकते हैं। तो ये हिडन ऐप हो गया। इसके नीचे है डेंजरस ऐप परमिशन, आप देख लीजिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये वो ऐप हैं जिन्होंने ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जिन्होंने मेरे से परमिशन लिया है कि मैं आपको आपका कॉन्टैक्ट, ऑडियो, कैमरा, लोकेशन, कैलेंडर, कॉल लॉक्स, ये सब, इन सब चीज़ों का इन्होंने परमिशन लिया है। तो फ्यूचर में मान लीजिए कि अगर कुछ भी ये डेंजरस ऐप्स है, अगर कुछ भी होता है मेरे लिए, तो ये उन ऐपों में से है। तो अगर इन ऐप में से कुछ भी अगर आपका काम का नहीं है, तो आप इनको भी हटा सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी इच्छा। और ये इसीलिए सबसे बेस्ट ऐप है दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में मालवेयर ऐप है या कोई स्पाइक ऐप वगैरह है, तो आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं एंड उसे हटा सकते हैं और अपने फ़ोन को सेव कर सकते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो दोस्तों उसको अपना भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अब चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना जो भी सवाल हो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।